नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरोज सर गढ़वाल है और मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सरोज इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग बाय सरोज पर गढ़वाल में। अगर आप मेरा एपिसोड देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं 6KL ऑयल फिल्टर मशीन के रिगार्डिंग आपको कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन करके बताऊँगा। तो पहले हम ये समझ लें कि ऑयल फिल्टर मशीन होता क्या है। बेसिकली हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं हम उसमें ऑयल यूज़ करते हैं, वो हमारा ऑयल जो होता है इंसुलेशन और हमारी कूलिंग दोनों पर्पज़ यूज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग्स होती हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं ड्यू टू एजिंग इफेक्ट कारण या मॉइस्चर रिगार्डिंग। तो वो जो मॉइस्चर आ जाता है या जो हमारे जो एजिंग कारण जो भी हमारे पार्टिकल्स में कंटेंट जो फॉर्मेशन हो जाते हैं, वो उसके जो पाथ में मतलब ट्रैकिंग चार्जिंग भी ट्रैकिंग पॉइंट करता है, जिसके कारण क्या होता है कभी कभी वाइंडिंग ख़राब होने के चांसेस और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ऑयल फिल्टर मशीन के द्वारा हम अंदर जो ऑयल में जो मॉइस्चर या जो पार्टिकल्स होते हैं जो चार्जेस को पाथ फॉर्म करने के लिए जो पाथ पॉइंट करते हैं उसको हम बचा सकते हैं। तो हमारा ऑयल फिल्टर मशीन हम यूज़ करते हैं। अब ऑयल फिल्टर मशीन पर हम जान लेते हैं। ऑयल फिल्टर मशीन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो ऑयल ट्रांसफार्मर के जो ऑयल की BDB है उसको 60 KV के एबव मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम 60 KV से ऊपर ही होना चाहिए। ये जो ऑयल जो फिल्टर मशीन होती है वो 6 और 7 स्टेप्स में होती हैं उसके पार्ट्स। तो उसमें हर एक स्टेप्स में आपके इनलेट आउटलेट वॉल्स होते हैं, उनके हीटर्स होते हैं, उसका चैम्बर होता है, फिर उसके वैक्यूम चैम्बर होता है। इन सब का अलग फिनोमेना होता है, वो वन बाय वन वो काम करते हैं। तो हम आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे विद उसकी ऑन करने के और ऑफ करने का जो प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग भी हम आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे कलीग्स के पास, जो आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन विद ऑपरेशन करके आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, मायसेल्फ माधव सिंह और मैं कहीं का ये सर कृष्णा मुंडा और मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग भाई सरोज अग्रवाल में आपका स्वागत है। और आपको बताया जाएगा ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन के बारे में, कैसे ऑयल फिल्ट्रेशन किया जाता है, आपको स्टार्टिंग कैसे करते हैं और कैसे ऑयल फिल्ट्रेशन होता है आपको आगे बताया जाएगा। आगे के लिए आपको बताएंगे हमारे मेरे कलीग कृष्णा मुंडा। हम मशीन को चालू करने जा रहे हैं टैंकर में ऑयल फिलिंग करने। ये इसका SLD है, ठीक है, नॉर्मल फिल्टर मशीन का SLD है। हाँ, तो SLD में ये इनलेट है और ये वेल्डिंग वाल्व। हाँ, इनलेट वाल्व। ये है मैग्नेट फिल्टर और ये है इनलेट पंप और प्रेशर लिफ्ट वाल्व। यह हीटर चैम्बर, यह टेम्परेचर कंट्रोल हाई टेम्परेचर, उसके बाद फिल्टर यूनिट मैक्रो फिल्टर, उसके बाद डिहमिनेटर होता है, डिशन चैम्बर। हाँ, डिशन चैम्बर होता है और इसका वैक्यूम ट्रैप। उसके बाद आ गया है रूट पंप और फिर यहाँ से ऐसा है वैक्यूम ट्रैप बाईपास दिया है, कॉन्ट्रैप दिया हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे है NRB दिया है। ओके, और यह है वैक्यूम पंप। ओके, और उसके बाद क्या है ऑयल लेवल। हाँ, आउटलेट पंप ट्रिप ट्रिप का ये सब इंडिकेशन दिए हुए हैं। ओके, नॉर्मली हमारा एक इंटरनल SLD हुआ है कि कैसे क्या, मैं एक बेसिक अरेंजमेंट है हमारे फिल्ट्रेशन मशीन का और ऑयल किस किस लेवल पे जाके प्रोसेस अपना काम करती है। अभी हम एक एक इक्विपमेंट को आपको थोरोटिकली दिखाएंगे, फिर हम उसके एक एक वर्किंग प्रोसेस को आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो ये हमारा जैसा मैं देखा हुआ है कि ये हमारा इनलेट वॉल है, जो हमारा इनलेट वॉल इस साइड से दिया हुआ है पैनल के जस्ट नीचे, फिर आपका मैग्नेटिक फिल्टर दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फिल्टर आप तक देखेंगे तो ये हमारा मैग्नेटिक फिल्टर है। मैग्नेटिक फिल्टर पहले आपको एक NRV वॉल दिया हुआ है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, वो आपका जैसे ही आपको सपोज ऑयल फ्लो का सेक्शन हाईवी हो गया तो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फिल्टर के पास आपका जो आपका आपने देखे होंगे कि वहाँ आपका एक फिल्टर पंप के थ्रू फिल्टर से आपका हीटर चैम्बर से कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारे पास 2 हीटर चैम्बर है जिससे करके वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है। ये हीटर चैम्बर है, हाँ, एयर व्यू। ओके, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेशर रिले वाल्व, ओके, इसमें ज्यादा ऑयल हो गया, जोर से बोल रहा हूँ।
पीछे आज पीछे आ जाओ। हीटर चेंबर हो गया। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, और उसके बाद ये बैक फिल्टर से तेल आपका जाता है माइक्रो फिल्टर। ओके, माइक्रो फिल्टर, उसमें फिर ये उसका ड्रेन, इसमें जो जितना जो कचरा जैसे भी बच गया है या फिर जो फिर उसके अगर चला गया तो फिर ये आपका माइक्रो फिल्टर में फिल्टर होके फिर यहाँ से हम लोग ड्रेन करते हैं। फिर माइक्रो ये कैसे फिर हो गया है मेन चेंबर, मेन चेंबर ये जितना है फिल्टर ये हो गया जो वेल सब इस सारा हीट टैंकर में आ जाता है। ओके, मेन चेंबर में आपके क्या होता है, हीट ह्यूमिडिटी के लिए ऑयल के लिए बल्ब लगे होते हैं जो आपका ऑयल का टेम्परेचर को मेंटेन करके उसमें जो मॉइस्चर जितना आता है वो टैंकर में आ जाता है। इसमें पूरा ऑयल फिल्टर फिल्टर के रेडी होकर इसमें आ जाता है। आपका बैक फिल्टर, माइक्रो फिल्टर जैसे इसमें आ जाता है। अब यह हो गया आपका आउटलेट लेवल स्विच। ओके, जैसे ए लेवल तक अगर नीचे ऑयल नीचे हो गया तो ये आउटलेट पंप अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, और फिर है इनलेट, इनलेट लेवल स्विच, अगर यहाँ तक ऑयल आ गया तो इनलेट अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आ गया आपका ये बूस्टर। ओके, बूस्टर चेंबर, और यह है बूस्टर पंप, इसको हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का जो जो हम लोग ये जो बेकुम जैसे अंदर में मॉइस्चर हो गया, गैस हो गया और जैसे कुछ जो यह कराता है तो फिर उसमें हम लोग पाइप लगा के उसको हम लोग वैक्यूम यह करते हैं, यह करके पूरा ये में आ जाता है वो जो डमी लगा वहाँ से निकाल के ट्रांसफार्मर के गैस को निकालने के लिए वैक्यूम क्रिएट करके फिर निकाल के बाहर आउटलेट कर लेते हैं। ओके, वही है और उसका एक गियर बॉक्स है। ओके, आ जाओ फ्रंट साउथ क्लियर है, आ जाओ फ्रंट में आ जाओ। हाँ बस, ये फ्रंट साइड है वैक्यूम का फ्रंट साइड, ये क्या है ये बताओ। यह है वैक्यूम, वैक्यूम मोटर। हाँ, और गियर बॉक्स है। अब इसका है सक्शन पाइप। ये हो गया वाल्व। अब ये हो गया आपका वैक्यूम ट्रप। ये हो गया है आपका मेन चेंबर से जो आया है। जैसे हम लोग वैक्यूम चालू करते हैं तो अंदर में जो जितना जो ये रहता है वो वैक्यूम करके एक चेंबर में खींच लेता है। ओके, इसमें जमा हो जाता है। और ये हो गया आपका एयर लीज। ओके, ये दोनों एयर लीज है। और एयर लीज कब करते हैं, जैसे इसके अंदर फिल्ट्रेशन, जैसे फिल्ट्रेशन खत्म हो गया, जैसे चेंबर में जितना एयर आता है या वैक्यूम किया हुआ रहता है उसको एयर करते हैं पूरा वो खाली हो गया। जैसे इसमें गैस रहता है तो कुछ नुकसान हो जाता है या कुछ ये हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको रिलीज कर लेते हैं। ओके, हो गया। और इसमें जो ऑयल डालते हैं सर्वो 68, इसका वो ड्रेन ड्रेन प्लग है। जैसे इसमें जो जो चेंबर का जो जो वैक्यूम को जो खींच लेता है, जैसे पानी और जो कुछ भी दे रहा है वो थोड़ा हम लोग ड्रेन कर। और जो लेवल है ग्लास, जैसे इसमें कितना तक लेवल है आता है, इसमें कितने में क्या कितना जमा है क्या जब आता है तो फिर हम लोग इसको ड्रेन कर। ठीक, ओके। अब हम प्रैक्टिकली ऑपरेशन कंडीशन पे बताएंगे कि हमें क्या क्या, जैसे फर्स्ट टाइम हम जब कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा सेक्शन वाला है, हमसे हम ट्रांसफार्मर के सेक्शन पे लगा देते हैं, ये डिशा पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे ऑन करना है वो हमें कृष्णा बताएंगे, बताइए। और ये आउटलेट पंप। ओके, आउटलेट पंप, और ये है आपका वाल्व, आउटलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, और ये है आपका बाईपास। ओके, तो हम ये वाल को बंद करके फिर इनलेट पंप को चालू करके और इधर एक वाल आ जाता है इधर बाईपास वाल, इसी को खोल देते हैं। हाँ, इसको खोल देते हैं आप इनलेट पंप को चालू कर देते हैं। हाँ, तो जितना भी इसके अंदर में जो ऑयल रहता है वो उसी में फिल्ट्रेशन होते रहते हैं। जैसे हमको
ये देखिए ये ड्राइंग आप जो देख रहे हैं, हिसाब से आप क्या करते हैं कि अगर आपको वहीं इंटरनल फिल्ट्रेशन करना है तो आउटलेट को आप बंद कर देते हो और आप इनलेट को भी दोनों वाल को बंद कर देते हो। इनलेट ये वाल का देते हैं, फिर ये वाल को खोल देते हैं और ये बाईपास वाल को आप ओपन कर दो। ये बाईपास वाल है आपका, ये वाल वाल को आप ओपन कर देते हो तो इस ड्राइंग से आपका फिल्टर इंटरनली ये वाल का फिल्ट्रेशन होते रहता है। ठीक है, ओके। चलिए अब वन बाई वन हम आपको प्रैक्टिकली ऑपरेशन करके दिखाएंगे कि कैसे हमारा सिस्टम को हम ऑन करते हैं और फिल्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम लोग क्या करते हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इससे पहले हम चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम चालू करते हैं। ओके, हाँ वैक्यूम चालू कर दिया। तो वैक्यूम चालू किया तो आपका बताइए कहाँ ऑन हुआ ये हमारा। फिर उसके बाद इसको खोलते हैं हम लोग, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक दिया। हाँ, उसी को हम लोग 2 में रखते हैं। ओके, 2 में रख दिया। जैसे जो मीटर आता है वो 700 तक आता है, उसके बाद हम लोग फिल्टर जैसे ऑयल ये कर दिया, इनलेट पंप चालू करते हैं, इनलेट पंप चालू करते हैं। तो पहले चालू करने पहले इनलेट पे आके ये स्विच को पहले ऑन करते हैं, उसके बाद उसके बाद वाल खोल दिया, वाल खोल दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ऑल कितने परसेंट खोलते हैं आप? ऑल खोलते हैं हम लोग 20%, 5%, जैसे ऑल आपका कितना टैंकर में कितना बड़ा है, छोटा है तो उस हिसाब से हम इसको खोलते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग से स्लो थ्रू ही करते हैं, 25% पहले ओपन करते हैं। हाँ, ये खोल दिया। हाँ, इसको खोलने के बाद हम जैसे एक चेंबर में ग्लास लेवल तक जब फेल आता है, अभी ग्लास लेवल तक ऑल नहीं आए हैं, जब तक ग्लास लेवल तक ऑल नहीं आया तो हम वेट करेंगे। हाँ, वेट करेंगे। आउटलेट चालू कर, हाँ ऑयल लेवल ग्लास आ गया। अब हमने आउटगोइंग हमने चालू कर दिया। ओके, पंप कहाँ है? आउटगोइंग पंप ये है, ये रहा। हाँ, और उसका वाल ये है, आप ये ऑयल 20% चालू कर दिया। ओके, तो इनलेट 25 और ये 20। ओके, इसलिए कहते हैं कि अगर आप दोनों सेम खोलेंगे तो ऑयल पूरा जितना उधर से आ रहा है वो सारा ऑयल ठीक है, इसलिए हम लोग कम से 5% टैंक में रहना चाहिए। ओके, इससे मोटर को नुकसान नहीं हो, जैसे खाली ना चले। अभी देखिए ऑयल अभी ऊपर चढ़ा हुआ था, कम हो गया, मतलब अब यहाँ पे ऑयल डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, ये चालू कर दिया। हाँ, उसके बाद हम हीटर, हाँ उसके बाद हम हीटर चालू करते हैं। ओके, हीटर चालू कर, तो हीटर वन कहाँ पर है? हीटर वन ये है, नहीं वहाँ उधर, वो हीटर वन है, हीटर नीचे वाला ये वन है, ऊपर वाला टू है, मतलब उसमें सीरीज में कनेक्शन है। ओके, बढ़िया। हीटर क्या है, इसमें 4 सीरीज दिया हुआ है। हाँ, इसमें 2 है और उसमें 2 है। ओके, और क्या है, ये जो बैटरी का सिंपल वाला है, ऑनलाइन वीडियो टेस्टिंग के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, नॉब को ओपन करके निकाल सकते हैं, है ना? ठीक, और कुछ हम मॉनिटरिंग करते हैं अपने मीटर के थ्रू, ऑनलाइन मीटर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर का मॉनिटरिंग वहीं से होती है, 60 डिग्री होती है। हीटर के ऊपर, हीटर के ऊपर जो लगा हुआ है हमारा टेम्परेचर, या अभी 30 डिग्री दिखा रहा है, 30 डिग्री में दिखा रहा है। हाँ, ये अभी चालू किया है, इसलिए अभी उतना बता। हाँ, और ये इसका रेगुलेटर से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना रेगुलेटर उसे एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, 60 डिग्री दम कर सकते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे हमारा इंजन वॉल बंद कर रहे हैं, बंद किया, पंप ऑफ करेंगे, पंप ऑफ किया, आउटलेट पंप बंद है। ठीक है, ये हमारा आउटलेट पंप है, आउटलेट पंप आउटलेट में ऑफ हो चुका है, हम क्या करेंगे इसका वॉल को बंद कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा हीटर्स ऑन है, हम हीटर्स बंद कर देंगे, हीटर्स बंद कर दिए। अभी हमारा बूस्टर पंप
पाइप। अभी हमारा ये सिस्टम में जितना भी ऑयल होगा वैक्यूम से चलने वाला वैक्यूम मेंटेन है। तो हम क्या बोलेंगे, पहले वैक्यूम पंप बंद करने के पहले हम वैक्यूम का जो वॉल है ये बंद करेंगे। तो पहले वैक्यूम पहले वो दो में था, अभी उसको हमने जीरो बंद कर दिया। ठीक है, अभी हम वैक्यूम में वैक्यूम बंद कर दिए हैं। आइए आप देखते हैं यहाँ पे सिस्टम में हमारा आउटलेट पंप है। तो आउटलेट पंप अभी फिर चालू हुआ है, तो चालू होगा हल्का से खोल के। अभी हम आउटलेट पंप है ये भी ऑफ कर देंगे। वैक्यूम बंद कर दिए? नहीं, अभी वैक्यूम बंद कर दें। आउटलेट हम आउटलेट पंप अभी ऑफ कर दे रहे हैं। आउटलेट पंप भी हमको ऑफ कर दिया। अभी हमारा सिस्टम वैक्यूम पंप ऑन है, वैक्यूम पंप हम ऑफ करेंगे। वैक्यूम पंप ऑफ कर रहा हूँ, वैक्यूम पंप भी ऑफ कर दिया। अब लास्ट में हमारे पास सिस्टम अभी हम जैसे वैक्यूम पंप बंद किया, हमारा सिस्टम से वैक्यूम कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एयर रिलीज कर देंगे, तो जो सिस्टम का थोड़ा बहुत होगा वो निकल जाएगा। लो करो आराम से, धीरे धीरे आराम से, आराम धीरे धीरे। बंद क्या, इतना क्या आ रहा है ना यार, ये बंद था ना, ऊपर से आ रही है क्या आ रहा है, खींच रहा है कि बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, एयर फेंक रहा है। ठीक, इसके भी करना है, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। ये लास्ट लाल वाला क्या है? हेलो, ठीक है, बंद कर दो इसके मोटर के लिए, ये बंद कर दीजिए वाला, खोल जो इसका ऑयल है उसमें वाटर है, ऐसा मॉइस्चर दिख रहा है ना, वो उसको वो है वो निकलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो बंद कर दो। तो इससे आपका ऑयल फिल्ट्रेशन चालू हो गया। अभी हमने पूरा सिर्फ जानी है कि मैं सक्शन पॉइंट कहाँ लगाते हैं, डिस्चार्ज कहाँ लगाते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसके SLD कैसे होती हैं, इसके बल्ब क्या होते हैं, फिर वो कैसे कितना ऑपरेट होता है, ऑयल टेम्परेचर में उसमें कितना मेंटेन कर रखते हैं, प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, वैक्यूम कब चालू करते हैं, कब चालू करते हैं, ये सब के हमने आंसर देखे हैं अभी इस वीडियो में। उसके बाद हमने बंद करने का प्रोसीजर कैसे किया है कि बंद कैसे करना रहता है, उसके बाद हमें पहले इनलेट बंद करना रहता है, इनलेट पहले में वॉल्व बंद करना रहता है, फिर उसका पंप बंद करना रहता है, आउटलेट का भी वॉल्व बंद करना रहता है, फिर पंप बंद करना रहता है, फिर सिमिलरली हमें वैक्यूम का वॉल्व बंद करना रहता है, फिर पंप बंद करना रहता है। ये हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है जो हमें करना रहता है। फिर हमें फाइनली हमें एयर रिलीज करना रहता है जो हमने वन बाय वन किए हैं। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, समझा नहीं? इसके बाद हमारा जो डिस्चार्ज और सक्शन पॉइंट है हम वहाँ उसको बंद कर रहे हैं ताकि ऑयल दोबारा हमारे फिल्टर मशीन में आ जाए। इससे दिस इज फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन हम वो फॉलो कर रहे हैं। ये टोटली कम्प्लीटली रूप से ये हमारा बंद कर दिया हमने, प्रॉपर है यहाँ पर, ये हम टाइटली है कि कोई भी ऑयल बैक ना है हमारे पास। ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके, और दोस्तों इस तरीके से हमने पूरा ऑयल फिल्टर मशीन का जो ऑपरेशन है वो कम्प्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये ऑयल फिल्टर मशीन के जानने वालों के लिए या जानना चाहिए हो उसके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।